सब ये इतने दिन मैं कहाँ था, व्लॉग क्यों नहीं है? व्लॉग इसलिए नहीं आया भाई कि थोड़ी सी क्या कह लो, बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि लास्ट वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा रजनीश को, रजनीश की मॉम का डेथ हो गया, सीन से ही था। तो थोड़ा सा सैड हो गए थे हम भी, क्योंकि अपना दोस्त है, उसकी माँ एक्सपायर हो गई, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इसलिए कंटेंट कोई बना नहीं। और जो नॉइस का हेडफोन था उस पर भी मैं रिव्यू बनाने के लिए बोला था, उस पर भी मैंने रिव्यू नहीं बनाया इसी वजह से। तो अभी सब कुछ ठीक ठाक है, जो भी हो बहुत बुरा हुआ, तो अभी व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो हमारा नया ट्राइपॉड आ चुका है, आज हम करेंगे इससे व्लॉगिंग। पहले फटाफट करते हैं अनबॉक्सिंग, ठीक है? फटाफट एकदम घाई वाला अनबॉक्सिंग। सो ये रहा माउंट जिसमें हम फिक्स करते हैं फोन को, ठीक है? ये रहा हमारा ट्राइपॉड, और ये बटन है जिससे हम पिक ले सकते हैं और वीडियो प्ले और पुश कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा पुराना ट्राइपॉड था, बिल्कुल ख़राब हो चुका है, थोड़ा बहुत अभी चलने के कगार पे, लेकिन अब यूज करने का मन नहीं बिल्कुल। तो अब हम करेंगे ये वाला नया वाला यूज, तो इसको अब रखते हैं साइड में, ठीक है? इसको ठीक है भाई, ये गया ऐसे, ये हमारा गया माइक पे, ऐसे कसते हैं इसको। हाँ, तो कंप्लीट हो गया काजू, देखो हमारा नया, हाय हाय। तो अभी इसमें लगा के दिखाते हैं। ये आप देखो कितना ज्यादा वाइड एंगल मिल रहा है और काफी दूर है मेरे हाथ से, बढ़िया दिख रहा है ना। बाकी सीन दिखाते हैं, अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। हमने कल एक इंस्टा पे स्टोरी डाली थी कि शॉपिंग नहीं करना है, बहुत खर्चा किया। तो अभी अपन के साथ में चलेंगे संजय, अभी फोन आया था संजय का, बोला रेडी रहो, हम गया ठीक है रेडी है। तो अभी चलते हैं फटाफट निकलते हैं, दिखाते हैं आगे एक सीन। और हाँ, थोड़ा सा अयोध्या में भी रुकेंगे, वहां दिखाएंगे, क्योंकि भी बहुत तगड़ी सजावट वहां पे चल रहे हैं, और दिवाली वहां पे कल होगा, सीएम वहां पे कल आएंगे, यानी कि योगी आदित्यनाथ वहां पे कल आएंगे दिवाली मनाने। आज का जो सीन है वो दिखाएंगे, चलो देखते रहो फटाफट। से ये रिमोट पा गई है ना, ये रिमोट उसमें खेल रहे, इसे दांत के नीचे दबा के ऐसे कटर 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 कर रही है, कटर कटर रही है। देखो ये देखो ये देखो, सही है, फिट है बॉस तेरा। तो अभी हमने कमान दे दिया संजय भाई को, संजय भाई बाइक चलाएंगे, हम थोड़ा सा ब्लॉगिंग रहे, आपसे थोड़ी सी बातें करेंगे, तो अभी चलाएंगे भाई संजय भाई। हम बैठ रहे हैं और ये बंदा हेलमेट नहीं लगा रहा है, और हम पीछे बैठ के ब्लॉगिंग करेंगे तो मजा आएगा, हेलमेट पहन के। तो हम भी हेलमेट नहीं लगा रहे, माफ करना देवियों और सज्जनों। और हाँ, और कुछ अयोध्या का सीन दिखा रहा है बैक कैमरा करके, वो देखो। यहाँ पे कल सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कल आएंगे, उनके आगमन पे ये सारा व्यवस्था किया गया जो भी है, और हर जगह बड़ी तगड़ी तगड़ी लाइट लगी है। आज अभी कम है, कल और होगा, कल और हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ जगह तो कल और जगह कल लगेगा लाइट। हमारी लाइट थोड़ी सी कम आ रही होगी क्योंकि कहीं कहीं लाइट नहीं लगी है, तो बाकी अभी लाइट शेडिंग हो रही है, कल तक ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएगा, कल हम आपको दिखाएंगे। अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि कहीं कहीं पे लाइट नहीं है और लो लाइट में मजा नहीं आ रहा है ऐसे व्लॉगिंग करते हुए। आगे चल के दिखाते हैं। अरे भाई बड़ी जाम लगी, कुछ ऐसे की जाम लगा है बड़ा तगड़ा, बहुत भारी जाम लगी है, और हम बाईपास जाएंगे बजरंग बली। ये देखो इधर, देखो कितने मस्त बजरंग बली, राम जी और लक्ष्मण जी को लेके जो भी काम चल रहा था बहुत तेज हुआ है। अभी जिस सड़क पे हम चल रहे थे, एक हफ्ते पहले कह लूँ या पाँच दिन पहले कह लूँ, ये सड़क बना नहीं था, जो अभी सड़क पे हम चल रहे हैं बहुत तेजी से काम हो रहा है भाई, बहुत तेजी से, कसम से कह रहा हूँ। बट जो अयोध्या के लिए काम हो रहा है बहुत मस्त, क्या बोले अब। सो सीन ये हुआ था कि हमने डिसाइड किया था बाईपास जाने के लिए, लेकिन हम जा रहे हैं अंदर से, बाईपास से ही गए थे, लेकिन बाईपास के बाद एक हफ्ता आता है जो कि हम अंदर से जा सकते हैं, हमने ये डिसाइड किया यार अंदर से चलेंगे, बाईपास से नहीं जाएंगे। और ये हेलो हेलो कर रहे हैं, और हाँ ट्राइपॉड जबरदस्त है एकदम, थोड़ा सा वाइड एंगल, बाकी सब बढ़िया है। तो हम पहुंच चुके हैं बिग बाजार, और अब चलते हैं देखते हैं, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, बाकी सब बढ़िया है। एज यू कैन सी ये हमारा बिग बाजार,
सो अभी हम ये वाला जींस ट्राई करते हैं, ठीक ठाक दिखा मुझे, अभी ये पहन के देखते हैं। तो अभी आप लोग को दिखाते हैं और देख के बताओ कैसा लग रहा है, ठीक है? चलो पहनते दिखाते हैं। अच्छा दिख रहा है, पॉकेट भी अच्छी है इसकी, बस फर्स्ट क्लास है। दिखाते हैं जो भी है आगे का सीन। शर्ट मुझे लग रहा है कि मुझे बाहर से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई खास शर्ट मुझे दिखा नहीं, तो देखते हैं अगर दिख गया तो लेंगे, नहीं तो कोई नहीं, ठीक है। देखो आइसक्रीम हमने फेंक दिया और सादा सादा एक कोन कहते हैं, बकवास बिल्कुल, बंडल आइसक्रीम 12 रुपए में और क्या लेंगे, आइसक्रीम फेंक दिया, कौन खा रहा है, वाह बिग बाजार वाह। हम लोग ऑलमोस्ट 2 बार आए, संजय भाई अपना 5 बार आया, लेकिन एक बार भी कॉफी चाय कुछ भी नहीं इनके पास। हम ऐसा बोलते हैं हमारे पास कॉफी नहीं है, चाय नहीं है। आज जस्ट एक जो पहना था वो दिखा मन का, और बिल्कुल कोई मतलब मन का थोड़ा सा अच्छा लगा था, लेकिन वो हम दीपावली पे पहन नहीं सकते, क्योंकि दीपावली पे हम ऐसे सादा वादा नहीं पहन सकते, थोड़ा चटक मटक होता तो ले लेते हैं। फायदे छोड़ो, मार्केट में देखते हैं और भी दुकान है। इनके पास कॉफ़ी में 2 बार ही आ चुका, कॉफ़ी नहीं है, बकवास है यार। इतना 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 पैसा लगा के अगर खोला तो थोड़ा भाई ढंग का रखो ना, कॉफ़ी रखो। कहते हैं कल आओ 12 बजे आपको पिलाते हैं, हम इनके पास 12 बजे कल आएंगे कॉफ़ी पीने के लिए, वाह क्या बात। बट छोड़ो जैसा भी, एनीवे जैसा भी जो भी ठीक है, सब्जी वगैरह जो खाने के लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। कपड़ा बिल्कुल नहीं सही है, आपको कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं मिल पाएगा यहाँ पे, और बाकी सब बढ़िया है, बस देख कर लो। सो अभी हम रिकाबगंज में हैं, शूज़ लेना चाह रहा था, तो जिस शॉप से हम शूज़ लेते हैं वो शॉप बंद हो चुकी है, और कपड़ा भी मुझे नहीं लग रहा है कि मिलेगा यहाँ पे। सो देखते हैं, अगर यहाँ नहीं मिला तो नवाबगंज में तो मिल जाएगा, कोई ख़ास नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे पास कपड़े हैं, लेकिन फिर भी सोच रहा था 1-2 जींस ले लूं, नहीं मिला तो क्या हुआ, चलो घर पे देखेंगे, अगर वहाँ मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई नहीं। तो अब रही शॉपिंग के बाद, शॉपिंग करने तो गए थे, वो जो आपने जींस देखा वो थोड़ी सी अच्छी लगी, फिर अच्छी जींस दिखी शर्ट नहीं दिखा, तो इसलिए मैंने जींस भी कैंसिल कर दिया। फिर मैं नवाबगंज आया, वहाँ पर मुझे अच्छा सा कुर्ता पैजामा मिल गया, जो ऐसी कुर्ता लिया और एक जूती लिया, बस बिग बाजार यार, फैजाबाद का बिग बाजार में ना ऐसे चीज़ ही नहीं मुझे दिखा जो मेरे लायक था, ठीक है। पैंट इतने कोई खास नहीं थे, शर्ट थोड़ा बहुत मतलब शर्ट भी नहीं अच्छा था कह लो तो, बाकी का जो था वो देखो, ठीक है। जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, तो अभी हम पहुंच गए हैं अयोध्या, ठीक है, बाकी का सीन दिखाते हैं। कल हमारे सीएम जी आएंगे रविंद्रनाथ, उनके थ्रू यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई हैं, और इस बार 5,51,000 दिए चलाए जाएंगे, लास्ट ईयर में करीब 2 लाख दिए जलाए गए थे, इस साल दुगना सीधा 5,51,000, ठीक है। एक चीज़ और ये है कि जो 5,51,000 दिए जले तो अपना अयोध्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, यानी खिताब मिला है अयोध्या को, ठीक है। ऑयल लैम्प जलाने का खिताब मिला है, वो भी आपको मैं इधर दिखा दूंगा, ठीक है, फोटो देख लो, बाकी सब पढ़ेंगे भाई। नाम हो रहा है अपने अयोध्या का, नाम हो रहा है अपना भी, नाम हो रहा है और क्या चाहिए, ठीक है, तो बाकी सब बढ़िया देखते रहो। भैया जिस जगह पे हम खड़े हैं इस जगह पे कल होगी आरती, है ना भाई? हाँ यहीं पे होगी। मैंने बाल थोड़ा सा बना लो पहले, बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत ज्यादा चमक रहा है हमारा फेस, एकदम एकदम ऐसा ऐसा हीरे जैसा चेहरे दिख रहा है। और इस जगह पे होगी आरती, अभी तो सब काम चल रहा है, देखो अभी। और जो अभी हमने कुछ शो देखा वो साउंड वाला, ठीक है, तो वो हम कल दिखाएंगे, आज दिखा देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, तो हम कल दिखाएंगे, ठीक है, कल फिर से नया बना के दिखाएंगे, आज हम लोगों ने देखा कल आपको दिखाएंगे। तो हमारे व्लॉग में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जादू हम बहुत खेलते हैं, सो आज भी हम कुछ ऐसे ही जादू दिखाएंगे, हम चुटकी बजाएंगे और पूरी दिवाली हो जाएगी, यानी कि हम चुटकी बजाएंगे हर जगह रौनक सी छा जाएगी, चलो देखने के लिए तैयार हो जाओ। सो 1, 2 एंड 3 देखो एकदम कतई चहल, थोड़ा सा हम लेट पहुँचे लेकिन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों हम लोग टाइम से पहुंच जाते हैं, बट इसलिए क्योंकि पैदल चल के आना पड़ा, 20 से 25 मिनट पैदल चलने में लग गया, गाड़ी बहुत दूर पार गई, इसलिए अभी चल के दिखाते हैं, अभी भी काफ़ी अच्छा सब सीन है। मैं इसलिए जल्दी आना चाहता था क्योंकि जो दीप जला गया अराउंड 45 या 50 मिनट में दिए खत्म हो जाते हैं, चलने के बाद तो हमने सोचा कि थोड़ा जल्दी निकले ताकि कुछ खत्म ना हो और बराबर आप लोग को दिखा जा रहा हूँ। तो अभी एक चीज़ ये भी नोटिस कर रहा है, सब हमको लिटरली मौसम को देख रहे हैं, तो अभी चल के दिखाते हैं, थोड़ा सा लाइट कम है यहाँ पे, आगे चल के दिखाता हूँ।
भैया देख सकते हैं हम कहाँ खड़े हैं उस जगह पे। आपने ये जगह केवल न्यूज़ में देखा, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं थ्रू मोटर जॉगी रजत के थ्रू दिखा रहे हैं। तो देखो एक बार सीन देखो कितना गजब है, सब एकदम जहर दिख रहा है, जहर हर जगह लाइट लाइट महाराज नो लाइट कहीं नहीं देखा मिलेगा, हर जगह आपको एकदम बराबर लाइट और वाइड एंगल अब देखने मिलेगा क्योंकि ट्राईपॉड का ही जहर है ये। मैडम ऐसे इधर उधर से किधर से टपक पड़ेंगे कैसे भी करके, तभी हम चलते हैं उधर देखते हैं। और मेरे इस जगह पे मेरे करीब इस जगह पे यहाँ पे राम जी का पूरा दीप से पूरा वो डिज़ाइन किया गया था, दीप से वो हम दिखा नहीं सकते, अगर कहीं से मिल गया तो दिखा देंगे, बाकी सब जो भी आगे दिखाता हूँ। बहुत भीड़ है, आई थिंक मेरे ख्याल से करीब 50,000 लोग तो होंगे, 50,000 से ज़्यादा ही होंगे अब होंगे, ठीक है उससे कम नहीं होगा। बाकी जो भी है आगे चल के दिखाता हूँ, अभी कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स लेते हैं वो आपको दिखाते हैं चलते।
जो आपने सीन देखा वो शॉर्ट फिल्म राम जी वाली कतई जहर थी यार, और जो उसका साउंड क्वालिटी था एकदम पूरा रोंगटे खड़े हो जा रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। बाकी थोड़ी सी लेट हो गई हमको आने में, वही जो गाड़ी पीछे पार्क करना पड़ा और थोड़ा पैदल चलना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा हमको लेट हो गया, बट सो फार सो गुड। खेल मदारी बहुत हुआ और लग रही भूख, अब हम तो निकल रहे हैं घर के लिए। रिश्ता को भी भूख लगा, हमें भी, यश को भी, तीनों इनको तगड़ी भूख लगी है, तो देखते हैं कहीं पे अच्छे से रेस्टोरेंट में कुछ खाते पीते हैं और फिर निकलते हैं घर। बाकी का सीन आपको घर पे चल के बताएंगे। जो अयोध्या में हमें कुछ खाने को नहीं मिला और ड्रीमलैंड में पूरी भरी पड़ी थी, वहाँ पे बुकिंग चल रहा था तो वहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिला। अब हम पहुँच गए अपने नवाबगंज फर्स्ट क्लास मिश्रा जी के पिज्ज़ा हब पे, और एक बार बैकग्राउंड में दिखाते हैं, बड़ा गजब बन गया भाई। कहने का मतलब ये है, भाई का भी चैनल है, इनके भाई का चैनल द स्टडी एक्स कर गया है, तो जाके भैया सब्सक्राइब कर लो और कुछ स्टडी वाले वीडियो डालते हैं पढ़ाई को लेके, तो जाओ देखो। बाकी सब बढ़िया है, खाते हैं निकलते हैं, चलो थैंक यू बॉस। तो सीन्स को जैसे कि वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है, माफ़ करना इतना लेट इसलिए वीडियो आ रहा है क्योंकि यार दुकान पे ऑलरेडी बहुत काम रहता है दिवाली का, तो माफ़ करते हैं भाई, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, वीडियो टाइम पे आएगा, एडिट करूँगा टाइम पे, सब कुछ टाइम पे होगा। मान तो दिवाली के टाइम में घर का काम दुकान का काम देखना पड़ता है तो काफ़ी काम हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो, बट आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, भैया वीडियो क्या हुआ क्या हुआ, तो माफ़ करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके बताओ वो ऐसे एक चीज़ की आपको अच्छी लगी मेरे वीडियो में, और अगला ब्लॉग थोड़ा और अच्छा इससे बनेगा, मतलब कि मैंने एक आइटम बुक किया है अमेज़ोन से, तो वो अपने वीडियो को काफ़ी वाइड एंगल देगा, तो वो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिल जाएगा। और जो ये मैं जो हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ नॉइज़ का, इसका नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पक्का रिव्यू आपको मिल जाएगा, और जो मैंने आइटम बुक किया उसका भी रिव्यू, दोनों का रिव्यू साथ में मिलेगा। तो तब तक एंजॉय करो, मैं भी बढ़िया, आप भी बढ़िया, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, बाय, सबा खैर, चलो। बॉस के लिए दो चार शब्द बोलेंगे, बड़ा घटिया है भाई।